देखिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3.36 में, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि a प्लस टू बी और 2a माइनस थ्री बी इक्वल होगा 2a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा और माइनस सिक्स बी स्क्वायर के। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, पहले से लिख लिया है क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, इसमें बारी बारी से प्रोडक्ट करेंगे, a का 2a से करेंगे तो 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया है। फिर a का b से करेंगे, देखिए माइनस थ्री ए बी हो जाएगा। फिर 2b का 2a से करेंगे तो प्लस का 4ba हो जाएगा, और 2b का फिर 3b से करेंगे तो 6b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a डॉट b और b डॉट a को हम बराबर लिख सकते हैं, a डॉट b की जो वैल्यू होगी वही b डॉट a की वैल्यू होगी। तो देखिए, यहाँ पर a डॉट b को हम लिख सकते हैं ab cos थीटा, और b डॉट को भी हम लिख सकते हैं ab cos थीटा। तो ये प्लस का 4ab cos थीटा है और माइनस का 3ab cos थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का ab cos, सबसेक्ट हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू हमारे एज इट इज रखी रहेंगी। तो ये राइट साइड हमारी आ गई। अब दूसरे क्वेश्चन 3.37 में कहा गया है कि एक बॉडी है और उस बॉडी को हम इस फोर्स से मूव करा रहे हैं। जो फोर्स हमको दिया गया है माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री कैप, इससे फोर्स से हम उस बॉडी को कहाँ मूव करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ करा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम जो करा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट 4k कैप है, क्योंकि 4 मीटर जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में हम के कैप लेते हैं। तो पूछ रहा है वर्क कितना होगा। देखिए, वर्क होता है एफ डॉट डी, ठीक है। तो एफ हमारा है माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और डी हमारा है 4k कैप। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि आई का के से जब प्रोडक्ट करेंगे डॉट तो वो जीरो हो जाएगा, जे का के से करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ के का के से कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ 3k और 4k का जब डॉट होगा तो 12 आ जाएगा, और k डॉट k 1 हो जाता है, इसलिए 12 जूल हमारा वर्क डन आ जाएगा। ये आंसर इसमें पूछा गया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया। गुड बाय।